वीडियो को पूरा देखिए, स्टूडेंट वर्सेस ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन पढ़ाई की हाल। मेरी छोटी बहन पढ़ती है तो हम नहीं पढ़ पाते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस मुमकिन ही नहीं है, हम ऐसे ही घर पे बुक से थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस समय कोरोना वायरस में ऑनलाइन पढ़ाई की क्या हाल है इसको भी देखिएगा। अब हम एक और ऐसी खबर का आपके लिए विश्लेषण करेंगे जो भारत के करोड़ों परिवारों से जुड़ी हुई है। इस विश्लेषण के केंद्र में है ऑनलाइन शिक्षा और भारत में इसका भविष्य। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कोरोना वायरस के इस दौर में भारत ऑनलाइन शिक्षा के लिए तैयार है और इसका भविष्य भारत में क्या है। क्या भारत के सभी वर्गों के छात्र आसानी से ऑनलाइन शिक्षा हासिल कर सकते हैं? अगर आप युवा हैं तो आपने अपनी पिछली पीढ़ी के मुंह से ये कई बार सुना होगा कि शिक्षा हासिल करने के लिए, पढ़ने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया। लेकिन शिक्षा को लेकर संघर्ष की कहानी पहले जैसी ही है, बस फर्क इतना है कि पहले के लोग स्कूल जाने के लिए संघर्ष करते थे और आज की पीढ़ी को ऑनलाइन शिक्षा हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। क्योंकि स्कूल तो अब बंद है, इसलिए स्कूल पहुंचने का संघर्ष अब लोगों के जीवन में नहीं रहा, लेकिन एक नया संघर्ष शुरू हो गया, खास तौर पर गरीब परिवारों के छात्रों के लिए, क्योंकि अब ऑनलाइन शिक्षा हो रही है, ऑनलाइन क्लास हो रही है और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। आपको एक स्मार्टफोन चाहिए, आपको एक लैपटॉप चाहिए, आपको इंटरनेट चाहिए और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। कोरोना वायरस की वजह से भारत के सभी स्कूल बंद हैं और अभी इनके जल्दी खुलने की कोई उम्मीद भी नहीं है, और हो सकता है जब खुल भी जाएं तो आगे की जो पढ़ाई है वो हमेशा के लिए बदल जाएगी, इसलिए ज्यादातर स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। लेकिन भारत में सभी परिवारों की इंटरनेट तक पहुंच नहीं है और यही वो वजह है जिसने डिजिटल डिवाइड यानी डिजिटल खाई अमीरों और गरीबों में पैदा कर दी है, जिसे भारत को जल्द से जल्द भरना होगा। जब मैं क्लास अटेंड करता हूँ तो क्लास अटेंड होना ही बाकी है और बीच बीच में क्लास रिमूव हो जाती है। कभी मेरी छोटी बहन पढ़ती है तो हम नहीं पढ़ पाते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस मुमकिन ही नहीं है, हम ऐसे ही घर पे बुक से थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। कोरोना संक्रमण के दौरान लगे लॉकडाउन में डिजिटल भारत का सबसे सटीक रियलिटी टेस्ट भी हो गया है। देश का बच्चा बच्चा ऑनलाइन क्लास में पढ़ने आया तो पता चला कि डिजिटल भारत बनने के लिए देश कितना तैयार है। शहर हो या गांव, हमने ये समझने की कोशिश की कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या बच्चे कुछ पढ़ पा रहे हैं या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूलों की फीस का मीटर चलता रहे, इसलिए ये सारी कवायद की जा रही है। ये बच्चे नोएडा के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। आदित्य नवीं क्लास में है, इस वक्त टीचर क्लास ले रही है। दूसरी तरफ आदित्य का छोटा भाई सूर्यांश है जो अपने पापा के साथ मोबाइल पर पढ़ाई कर रहा है। ऑनलाइन क्लास की मजबूरी है कि छोटे बच्चों के साथ अभिभावकों का होना जरूरी है। राजस्थान के कोटा में रंगपुर कस्बे के इस परिवार में कमाई करने वाले केवल एक व्यक्ति है जो मात्र 12,000 रुपए कमाते हैं। इन पर दो स्कूली बच्चियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी है। पहले स्कूल की फीस भरते थे, अब फीस के साथ साथ स्मार्टफोन और इंटरनेट का खर्च अलग से होने लगा है। शिक्षक भी अभिभावकों की ये मजबूरी समझते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है बच्चों के गांव में स्पेशली जहां हम है कि स्मार्टफोन अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे पास, अगर है भी तो इसकी नेटवर्क कनेक्शन की प्रॉब्लम रहती है। और अब जब से ये अनलॉक शुरू हुआ है स्टार्ट, तो पेरेंट्स जो हैं वो काम पे निकल गए तो फोन भी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। बड़े शहरों में तो फिर भी माँ बाप कुछ ना कुछ करके मोबाइल इंटरनेट की व्यवस्था कर पा रहे हैं, लेकिन उन गांवों का हाल खराब है जहाँ बिजली कम वक्त के लिए आती है और मोबाइल नेटवर्क खराब होना एक बड़ी समस्या है। अभी तक अभिभावक बच्चों को मोबाइल लैपटॉप पर ज्यादा देर ना बैठने की नसीहत देते थे, लेकिन अब ये मजबूरी और जरूरत बन गया है। एनसीईआरटी के एक ताजा सर्वे से ये पता चलता है कि भारत के 27% छात्रों के पास स्मार्टफोन और लैपटॉप नहीं है। 28% छात्र बार बार बिजली जाने की वजह से ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं।
33% छात्रों ने ये माना है कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान वो पढ़ाई पर ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई सबसे ज्यादा मुश्किल साबित हो रही है। इस सर्वे में 50% छात्रों ने तो ये भी कहा कि उनके पास स्कूल की पुस्तकें ही नहीं है, यानी ऑनलाइन ही नहीं छात्रों को ऑफलाइन पढ़ाई में भी बहुत समस्या आ रही है। हालांकि एनसीईआरटी की वेबसाइट पर कई विषयों की ई बुक्स हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको इंटरनेट चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए या फिर लैपटॉप चाहिए, जिससे आज भी देश के करोड़ों बच्चे वंचित हैं। जिस सर्वे की हम बात कर रहे हैं, यह सर्वे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सीबीएसई से जुड़े स्कूलों में पढ़ने वाले 34,000 छात्रों, उनके मां बाप और अध्यापकों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया। अब आप सोचिए, जिस देश में 27% छात्रों के पास लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है और जहां बार बार बिजली जाने की वजह से 28% छात्र ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाते, उस देश में ऑनलाइन शिक्षा का भविष्य क्या होगा? इन दोनों आंकड़ों को अगर जोड़ लिया जाए तो एक बात साफ होती है कि अभी भारत के आधे से ज्यादा छात्र ठीक तरह से ऑनलाइन शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा के लिए आपको पैसा चाहिए। पैसे के साथ साथ आपके जो माँ बाप हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके माँ बाप का इतना पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है कि वो अपने बच्चों को इंटरनेट कनेक्ट कर दे सके, वो अपने बच्चों के लिए लैपटॉप को ऑपरेट करना जानते हों, स्मार्टफोन को ऑपरेट करना जानते हों। भारत में स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों की संख्या 30 करोड़ है और ये सभी छात्र फिलहाल स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 90 लाख छात्रों के पास ऑनलाइन शिक्षा की अभी कोई सुविधा नहीं है। भारत में 24% घर सिर्फ स्मार्टफोन्स के जरिए इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और सिर्फ 11% परिवार ऐसे हैं जिनमें इंटरनेट कनेक्शन वाला कोई कंप्यूटर है। ग्रामीण भारत में तो स्थिति और भी ज्यादा खराब है। भारत के गांवों में 16% घरों में सिर्फ 1 घंटे से 8 घंटे तक ही बिजली आती है। ग्रामीण भारत के 33% घरों में 9 से 12 घंटे और 47% घरों में 12 घंटे से ज्यादा बिजली आती है। भारत की 66% आबादी आज भी गांवों में रहती है और अगर इस आबादी को 24 घंटे बिजली नहीं मिलेगी तो यहां गांवों में रहने वाले छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? गांवों में रहने वाली भारत की इस 66% आबादी में से सिर्फ 16% की पहुंच इंटरनेट तक है। सबसे गरीब 20% परिवारों में से सिर्फ 3% परिवारों की पहुंच किसी कंप्यूटर तक है और 9% परिवारों के पास इंटरनेट कनेक्शन है। जिन घरों में इंटरनेट की पहुंच है भी, उसमें से 3% घरों में इंटरनेट बार बार बाधित हो जाता है, यानी कनेक्शन कट जाता है, और 53% घर पुअर कनेक्टिविटी का सामना करते हैं क्योंकि सबके पास बहुत मजबूत वाईफाई सिस्टम्स नहीं है। 32% घरों में ब्रॉडबैंड का सिग्नल आता ही नहीं, यानी उनके पास ब्रॉडबैंड नहीं है। यह डिजिटल डिवाइड देश के अमीर और गरीब राज्यों में और भी बड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए दिल्ली, केरल और हरियाणा में इंटरनेट की पहुंच सबसे ज्यादा लोगों तक है, जबकि असम को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इंटरनेट की पहुंच सबसे कम है। यह डिजिटल खाई बहुत गहरी हो चुकी है और एक बात आप जान लीजिए, इस डिजिटल डिवाइड का, इस खाई का धर्म से कोई मतलब नहीं है, इसका जातियों से भी कोई मतलब नहीं है। अब सिर्फ डिजिटल आधार पर 2 वर्ग हमारे देश में बन गए हैं, एक वो जिनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी है और एक वो जिनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं है। और भारत को ऑनलाइन शिक्षा के रास्ते पर ले जाने के मिशन में यही सबसे बड़ी बाधा है। इसकी वजह से माता पिता और छात्रों को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, इस पर आज हमने एक विशेषण तैयार किया है। अगर आप मोबाइल फोन या किसी इंटरनेट डिवाइस पर हमारा ये विशेषण देख रहे हैं तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, लेकिन आज आपको उन लोगों की परेशानियों को भी समझना चाहिए जो चाहकर भी इंटरनेट के जरिए शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं।